विशेषकर राजा तालाब, मिर्जा मुराद, कछवा, कपसेठी, रोहनिया, सेवापुरी क्षेत्र के अन्न देवता लोगन के प्रणाम हो। आप सभी को देव दीपावली और गुरु पर्व की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, संसद में मेरे साथी भाई रमेश चंद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रहा है। इसका लाभ काशी के साथ ही प्रयागराज के लोगों को भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। पहले जो लोग हंडिया से राजा तालाब आते जाते थे, उन्हें पता है इस हाईवे पर कितनी ज्यादा मुश्किलें आती थी। जगह जगह जाम, बहुत धीमे ट्रैफिक, दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। 70 किलोमीटर से ज्यादा का ये वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। भाई और बहनों, आस्था से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेष काम की, लोग कहीं भी आने जाने से पहले ये जरूर देखते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की सुविधाएं देसी विदेशी हर तरह के टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को भी प्रोत्साहित करती है। बीते वर्षों में
काशी के सुंदरीकरण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। नई हाईवे बनाना हो, पुल फ्लाईओवर बनाना हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। बनारस का सेवक होने के नाते मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कतें कम हो, उनका जीवन और आसान बने। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर से आने जाने वाले भारी व्हीकल्स शहर में एंट्री लिए बिना सीधे इस नए 6 लेन हाईवे से निकल सकेंगे। वहीं जिन दूसरे हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है वो भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन हाईवे के बनने से वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर की यात्रा और आसान हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं ये समाज के हर वर्ग को सुविधा देती है।